हेलो एवरीवन, वेलकम टू तैयारी 360 यूट्यूब चैनल। तो आज हमारा सेकंड लेक्चर है कंसेप्ट थ्रू पीवाईक्यू की सीरीज में, जहां हम सीसेट के कंसेप्ट को सीख रहे हैं पीवाईक्यू को सॉल्व करके, जिससे कि हमारा 2024 सीसेट आसानी से क्वालिफाई हो पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ, जो कि 2021 में पूछा गया था और सेम इसी कंसेप्ट पे 2023 में क्वेश्चन पूछा गया। तो इसमें बोल रहा है कि अगर 3 की पावर 2019 है और अगर हम उसको डिवाइड करते हैं 10 से, तो तब आपको रिमाइंडर बताना है। सर, अगर सिर्फ 3 दिया होता तो तब हम डिवाइड कर लेते, लेकिन 3 की पावर 2019 दिया, हमको तो सिर्फ क्यूब तक याद है और 2019 तक मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे। तो हम नंबर सिस्टम में एक चीज पढ़ते हैं क्या, कि सबसे पहले हम इसके थोड़ी सी पावर को ड्राइव कर लेते हैं। पावर को ड्राइव क्या करना है सर? 3 का 1 टाइम क्या होता है सर? 3 का स्क्वायर क्या होता है सर? 9। 3 का क्यूब 27। 3 का 4 टाइम क्या होता है? 81। और 3 का 5 टाइम अगर देखा जाए तो कितना होता है? 243। और 3 का 6 टाइम कितना हो जाएगा? 729। ठीक, और ऐसे ही आगे चलते चले जाएगा। अगर मैं देखूं तो 3 की पावर 7 करा जाए तो 3 9 27, 2 3 2 6 7 8 7 3 21। अब आप यहां पे कुछ चीज ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, क्योंकि यहां पे चीजें ऑब्जर्वेशन पे डिपेंड करती हैं। कि सर, जब 3 की पावर 1 थी तो 3 आ रहा था यूनिट डिजिट, 3 के स्क्वायर है 9, 3 का क्यूब है 7, फिर 4 है तो 1, और 5 है तो फिर 3, फिर 9, फिर 7। आप एक चीज देख पा रहे हैं, हर 4 के टाइम आपको रिपीटेशन देखने को मिल रहा है, एक साइक्लिसिटी। जैसे कल मैंने आपको एक क्वेश्चन दिखाया था करके, तो सेम फिर पावर वही रिपीट होने लगी, लास्ट में यूनिट डिजिट 397, यहां पे क्या 397, फिर अगली पावर के लास्ट में अगर देखेंगे तो लास्ट में 1 आएगा। तो 4 की साइक्लिसिटी चल रही है। तो मैं क्या करूंगा, सिर्फ 2019 को 4 से डिवाइड कर लूंगा तो मैं देखूंगा कि ये पूरा जो नंबर है वो कहां तक डिवाइड हो जा रहा है। तो 2019 को जब मैं डिवाइड करूंगा किससे? 4 से, तो कितना आएगा सर? 4 5 जा 20 4 4 जा 16, और मेरे पास रिमाइंडर क्या बचेगा? 3। ये जो रिमाइंडर बचा है 3, ये अब 3 की पावर हो जाएगा। ठीक, क्योंकि ये 2016 तक पूरा पूरा डिविजिबल हो रहा था, लेकिन 3 की पावर 3 बच रहा है क्योंकि 3 एज अ रिमाइंडर बचा। और 3 की पावर 3 क्या होता है? 27। 27 को 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 7 एज अ रिमाइंडर हमारे पास बच जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? 7। ठीक, क्यों? क्योंकि ये अगर देखा जाए तो अगर 2016 होता तो इसमें कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचता, लेकिन 2019 है। अब 2016 तक ये पूरा क्यों डिवाइड हो रहा था? क्योंकि मैंने 4 से डिवाइड करके देखा तो ये 54 तक पूरा डिवाइड हो रहा था, लेकिन 9 है तो रिमाइंडर 3 बच रहा था। तो ये 3 बचने का मतलब क्या है कि 3 की पावर 3 27, 27 को डिवाइड करो 10 से तो 7 आ रहा है, और मैं सीधा भी लिख सकता था 7। ठीक, तो सेम इसी कंसेप्ट पे 2023 में क्वेश्चन आया 2 की पावर 192, यहां और इसको डिवाइड करना है 6 से, तो सर सेम कंसेप्ट ही लगाऊंगा मैं इसमें। ठीक, तो 2023 जैसे मैं बता रहा था कि वो पीवाईक्यू के बेस्ड पे आया था, तो वो मैं आपको अब सॉल्व करके भी दिखाता हूं। इसको डिवाइड करके 6 से बताना है रिमाइंडर क्या आएगा। तो मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं सिंपल पावर को ऑब्जर्व करूंगा। सर, अगर मैं 2 की पावर 1 को या 2 को सिंपल 2 की पावर 1 को डिवाइड कर रहा था 6 से, तो रिमाइंडर क्या रहा है? 2, क्योंकि ये बच ही रहा है, ये डिवाइड तो होगा नहीं, तो 2 एज अ रिमाइंडर ही बचेगा। ठीक, यहां पे मैं लिख लेता हूं कि ये रिमाइंडर है, R से मैंने इसको डिनोट कर दिया। और अगर मैं 2 का स्क्वायर करके डिवाइड कर रहा हूं 6 से, तो ऑब्वियसली बात है 4 बचेगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर होता है 4, और 4 कभी 6 से डिवाइड नहीं होगा, तो 4 एज अ रिमाइंडर ही बचा रहेगा। अगर 2 की पावर 3 लिखता हूं और डिवाइड बाय 6 करता हूं तो कितना आता है सर? 2 का क्यूब क्या होता है? 8। 8 से 6 को डिवाइड करेंगे तो 2 रिमाइंडर बच जाएगा। ठीक, और 2 की पावर 4 करता हूं तो 4 का मतलब क्या होगा? 16। 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा सर? 6। 2 जा 12 और बचेगा कितना? 4। यहां पे आप एक चीज आप ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, जब पावर इवन है तो रिमाइंडर 2 बच रहा है, जब पावर ओड है तो रिमाइंडर 2 बच रहा है, जब पावर इवन है तो रिमाइंडर 4 बच रहा है। पावर ओड रिमाइंडर 2, पावर इवन रिमाइंडर 4। सेम यहां पे लगा दीजिए सर 192 क्या है? एक इवन नंबर है, जिस टाइम पे 2 की पावर इवन होगी तो रिमाइंडर क्या आएगा सर? 4 आएगा। ठीक, तो कुछ इसमें ज्यादा टाइम लगा? कुछ नहीं लगा, सिंपल हमको ऑब्जर्व करना था चीजों को। इसी तरीके के कंसेप्ट्स को सीखने के लिए डिटेल्ड में आप मेरा कोर्स ले सकते हैं, जिसमें मैंने एक क्रैश कोर्स में पूरा एकदम डिटेल्ड में हर एक नंबर का बता रखा है कि कैसे कैसे डिविजिबिलिटी होती है।
ठीक, वरना आप कंसेप्ट तो आप सीख ही रहे हैं, यहां पे भी कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर क्या करा गया है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम पहले ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, ठीक, क्योंकि फिर यहां पे मैं आपको, चलो ठीक है ये कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें भी एज सच। तो जैसे इसमें बोला गया कि थ्री ऑफ द फाइव पॉजिटिव इंटीजर पी क्यू आर एस टी, उसमें कुछ आपको बताए गए हैं कि थ्री जो है इनमें से, ये पांच इंटीजर है जिसमें से कि थ्री इवन है और टू जो है वो उनमें से ओड है, और ये नहीं है कि ये एक नेसेसरीली सेम ऑर्डर में, कि जैसे पी अगर इवन है तो ये ओड होगा, ये ओड है तो इवन होगा, इस तरीके से कोई एक इनका ऑर्डर नहीं है, कोई भी इवन हो सकता है, कोई भी ओड हो सकता है। अब उसने आपको दो स्टेटमेंट दिए, p प्लस q प्लस r माइनस s माइनस t इज डेफिनेटली इवन, और नेक्स्ट स्टेटमेंट है 2p प्लस q प्लस 2r माइनस 2s प्लस t इज डेफिनेटली ओड। तो हम सिंपल कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ एज्यूम करेंगे किसको, नंबर को सीधा वैल्यू पुट करेंगे इनमें, ठीक, बाकी ऐसे तो आप सोचते रह जाएंगे वरना आप इसको प्रूफ ही करते रह जाएंगे। तो हम पावर को, वो नंबर्स को एज्यूम कर लेते हैं, जैसे कि मैंने 2, 4, 5, 6 ठीक मान लीजिए कि मैंने एज्यूम कर लिया, या आप इसके अलावा भी कोई भी नंबर एज्यूम कर सकते हैं जो भी आपको मानना हो। ओके ओके, बीच में 3 भी रह गया, चलो ठीक है 3 भी एज्यूम कर लेते हैं, 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी ऐसा, 5 नंबर है, 5 एज्यूम कर लिया। अब उसने बोला है कि p प्लस q प्लस r माइनस s माइनस t इज डेफिनेटली इवन, तो मैं इसमें कोई भी तीन नंबर, उसने बोला है कि तीन मतलब इसमें से इवन है और दो क्या है ओड है, तो मैं कोई भी दो ओड मान लेता हूं, कोई भी दो इवन मान लेता हूं। मान लीजिए कि मैंने जस्ट लाइक जैसे इसको 6 मान लिया p को, और 5 को मतलब q को मैंने मान लीजिए कि मैंने 5 मान लिया, ठीक, और 6, 5 बचा क्या अब मेरे पास, 6, 5 और 11 और 4 ठीक, माइनस कर देता हूं मैं, क्या बचा मेरे पास 3 माइनस 2 ठीक, तो 6 और 5 11 और 4 तो तीन, लेकिन तीन उसने बोला कि तीन इवन है, तो इवन मानने पड़ेंगे ना, यहाँ पर 2 मानना पड़ेगा क्योंकि 2 तो ओड है, 3 चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं, 6 और 5 11 और 4 कितना होता है, 11 और 4 15 माइनस कितना आ जाएगा, ये कितना होगा 3 माइनस 2 यानी कि 5 माइनस करना पड़ जाएगा, तो कितना आया 10 ठीक, ये क्या हुआ इवन हो गया, डेफिनेटली इवन हो गया। सेकेंड मैं सेम वही वैल्यू एज्यूम कर लेता हूं, मैंने जो यहां पे मानी थी, पी को मैंने 6 मान लिया था, प्लस क्यू को मैंने क्या मान लिया था 5, प्लस 2 into 4 माइनस 2 into s, s को मैंने क्या मान लिया इसमें, जैसे मान लीजिए कि 3 मान लिया, प्लस टी यानी कि 2 माना था मैंने इसमें, तो सॉल्व कर लीजिए, 6 to the 12 प्लस 5, 4 to the 8 माइनस 6 प्लस 2, तो ये कितना हो गया 17, और 8 कितना होता है 25, और ये माइनस का कितना बच जाएगा 6 और 2 8 माइनस का कितना आ गया 8, 25 में से 8 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 17, तो ये क्या आ गया डेफिनेटली ओड। तो डेट्स वाई इसका आंसर क्या हो गया, सिंपल मैंने वैल्यू पुट करी है, उसने जो जो बोला मैं वो वैल्यू उसमें पुट करता गया। ओके चलिए ठीक है, नेक्स्ट ये वाला कंसेप्ट समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये किस नंबर से डिविजिबल है। तो सिंपल इसमें एक कंसेप्ट ध्यान रखना है कि अगर कोई भी नंबर एक्स एक्स की फॉर्म है तो वो 11 से डिविजिबल होगा, अगर कोई भी नंबर एक्स वाई की फॉर्म में है तो वो डिविजिबल होगा 101 से, और अगर कोई भी नंबर एक्स वाई जेड के फॉर्म में है तो वो किससे डिविजिबल होगा, यानी कि अगर इनका कोई भी मल्टीपल है तो वो डिविजिबल होगा सिंपल। तो यानी कि कोई भी नंबर अगर एक्स वाई जेड की फॉर्म में तो वो डिविजिबल होगा 7, 11, 13 से, 7, 11 और 13 से। तो ये अपने नोटबुक में आप लिख भी सकते हैं कि कोई नंबर किस फॉर्म में होगा तो वो सिंपल डिविजिबल होगा 7, 11 और 13 से, और एक्स वाई जेड अगर 101 का भी वो मल्टीपल है, जस्ट लाइक जैसे मैं आपको बताता हूं, अगर कोई नंबर एक्स एक्स की फॉर्म में लिखा हुआ तो यानी कि 2, 2, 3, 3 तो सिंपल सीधा सीधा पता चल रहा है कि ये किससे डिविजिबल है, 11 से डिविजिबल है एग्जैक्टली ठीक। अगर कोई नंबर एक्स वाई जेड की फॉर्म में लिखा हुआ है, मैंने मान लीजिए कि 8, 2, 3 लिखा है, फिर 8, 2, 3 लिखा है ठीक, तो ये नंबर 1001 से सीधा सीधा डिविजिबल होगा ठीक, और 1001 किसका एलसीएम है 7, 11 और 13 का, तो डेट्स वाई कोई भी नंबर अगर एक्स वाई जेड की फॉर्म में होता है तो 7, 11, 13 से डिविजिबल होता है। ये कंसेप्ट और भी आप डिटेल में जाके सीख सकते हैं मेरे साथ मेरे कोर्स में जुड़कर ठीक।
अब इसमें बोला गया है कि इफ पी क्यू आर एंड एस आर डिस्टिंक्ट सिंगल डिजिट नंबर हैं, पॉजिटिव नंबर हैं, अब आपको ग्रेटेस्ट वैल्यू बतानी पी प्लस क्यू प्लस आर प्लस एस की, तो सिंपल कुछ नहीं बताना, ये सिंगल डिजिट नंबर है ठीक, और ग्रेटेस्ट वैल्यू बतानी है। इसमें आपको आंसर ये जो ऑप्शन से पिकअप करना पड़ेगा आंसर, वो कैसे देखो, और उसने सिंगल डिजिट पॉजिटिव नंबर बताया, ग्रेटेस्ट वैल्यू देखो, ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या होगी कि मैं चार नंबर सबसे बड़े कौन कौन से यूज कर सकता हूं, वो भी सिंगल डिजिट, 9 यूज कर सकता हूं, 8 यूज कर सकता हूं, 7 यूज कर सकता हूं, 6, ये सबसे बड़े नंबर है चार, क्योंकि उसने सिंगल डिजिट बोला है, नंबर इससे बड़े हो सकते हैं बट उसने बोला है सिंगल डिजिट ग्रेटेस्ट वैल्यू, तो 9876 मेरे पास वैल्यू है। अब मैं किन्हीं भी दो नंबर को एड करके ग्रेटेस्ट वैल्यू एड करूंगा, लेकिन वो जो आंसर है वो इन वैल्यू से बड़ा नहीं होना चाहिए। जस्ट लाइक जैसे मान लीजिए कि मैं 9 और 8 को एड कर देता हूं, 9 और 8 कितना हो जाएगा, 9 और 8 हो जाता है कितना, 17, और इनटू मैं कर देता हूं किससे, 7 और 6 को एड कर देता हूं, 7 और 6 कितने होते हैं, 13, तो अगर मैं इसको देखूंगा 13 से तो ये काफी ज्यादा आगे चला जाएगा, क्यों, 17 3 जा कितने होते हैं 51, 5 17 1 जा 17 और 5 कितने होते हैं 17, 1 जा 17 और 5 कितने होंगे 22, 17 1 जा 17 और 5 221 आ गया ठीक, हाँ ठीक 221। लेकिन अगर मैं देखूं तो ये वाला आंसर अभी मेरे को स्टॉप करके रखना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि इससे बड़ी भी वैल्यूज यहां पे दे रखी है, क्या पता 224 आ जाए, 225 आ जाए, 230 आ जाए ठीक। अब मैं मान लेता हूं कि मैं एज्यूम कर लेता हूं इसकी जगह आंसर, अब आप बोले ये कि सर 221 आंसर लगा दीजिए ये आ जाएगा, लेकिन नहीं, क्योंकि 221 से भी ग्रेटेस्ट वैल्यू है, अभी 230 तक है, उसने ग्रेटेस्ट वैल्यू के लिए पूछा है, तो 221 मैं सीधा नहीं लिख सकता हूं। अगर मैं यहां पे ऐड करता हूं सर कितना, ये मैंने अभी सबसे बड़े ग्रेटेस्ट नंबर एक साथ करके ऐड कर दिए थे, अब मैं थोड़ा सा अलग कर लेता हूं, अब इनको अलग क्या करता हूं कि अब मैं 9 और 6 ऐड कर लेता हूं, 9 और 7 ऐड कर लेता हूं, चलो एक काम करो 9 और 7, 8 और 6 ऐड कर लेता हूं, तो कितना आएगा, 9 और 7 कितना हो जाएंगे 16, 9 और 7 16 इंटू 8 और 6 कितना हो जाएगा 14 ठीक, 14 हो जाएगा। अब आप इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 6 फोर जा 40, आप इनकी मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 6 फोर जा 4 6 जा 24, 2 4 1 जा 4 और 2 6, मैं आपको प्रॉपर मल्टीप्लाई भी करके दिखा रहा हूं, देख रहे हो 2 1 2 2 4, लेकिन 2 2 4 से भी बड़ा नंबर हो सकता है ठीक, 2 2 4 से बड़ा नंबर हो सकता है, यहां पे 2 2 4 भी है, इससे बड़ा नंबर क्या हो सकता है। अब मैंने 9 और 7 को ऐड कर लिया, मैं 9 और 6 को ऐड करके देख लेता हूं, 9 और 6 को ऐड कर लिया और 8 और 7 को ऐड कर लेता हूं, तो 15 आ जाएगा और इंटू 15, 15 का कितना हो जाएगा 225। अब इससे बड़ा कोई नंबर आएगा ही नहीं, क्यों, क्योंकि अगर मैंने क्या करा, पहले 8 को ऐड कर लिया, 7 को ऐड कर लिया, मैंने आपको 8 भी ऐड करके दिखाया 17 आया, मैंने आपको 7 भी ऐड करके दिखाया तो 14 आया, और फिर बाद में मैंने 6 ऐड करा, और जो सबसे ज्यादा बड़ा आंसर मिल रहा है वो मेरे को 225 मिल रहा है, तो डेट्स वाई इसका आंसर 225 होगा, क्योंकि और नंबर 9 में ऐड करने के लिए बचा ही नहीं है मेरे पास ठीक, तो 9 और 6 15, तो सबसे बड़ा आंसर कहां आया, ये 221, 224, ये 225, तो इसका आंसर क्या हो गया 225 ठीक, ओके। अब इसने बोला है कि आपको बताना है P is greater than, मतलब अगर आप देखें तो is P greater than Q, क्या P greater than है Q से, उसने आपको दो स्टेटमेंट दिए, P into Q is greater than 0, तो P into Q greater than 0, P square is greater than Q square, ये 2023 का क्वेश्चन है, सिंपल वैल्यू पुट करनी है। अब मान लीजिए कि मैं क्या करता हूं कि सर सिंपल में वैल्यू पुट करके आंसर निकालते हैं, क्योंकि ये वाले क्वेश्चन वैल्यू पुट करके ही हो सकते हैं, वैसे सोचने को सोचते रह जाओ रह जाओ रह जाओ, क्या सोचते रह जाओगे इसमें ठीक, क्वेश्चन नहीं होगा, टाइम निकल जाएगा ठीक। तो P इज ग्रेटर देन Q को मेरे को प्रूफ करके दिखाना है, क्या ये मैं इन दोनों स्टेटमेंट से प्रूफ कर सकता हूं, तो उसने बोला P into Q is greater than 0, P into Q is greater than 0, तो इसका मतलब ये है कि ये ग्रेटर से 0 से वैल्यू बड़ी आएगी इनकी, जीरो से वैल्यू बढ़ाने का मतलब क्या है कि ये पॉजिटिव इंटीजर हो सकते हैं, जस्ट लाइक जैसे अगर मैंने 3 इंटू 2 करा तो 3 इंटू 2 6, तो ये ग्रेटर देन 0 है, यानी कि इनका जो आंसर है वो पॉजिटिव में आएगा, अगर नेगेटिव में आएगा तो ये स्मॉलर देन 0 है, तो मेरी पहली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो पाएगी, या तो ये दोनों माइनस में भी हो जाएंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, माइनस 3 इंटू माइनस 2 तो तब भी ये ग्रेटर देन 0 है, क्योंकि 3 इंटू 2 6 हो जाएगा, माइनस माइनस में पॉजिटिव करके भी, तो यानी कि ये दोनों जो है ये पॉजिटिव वैल्यू ही आएगी, या तो कोई भी दोनों में से, मतलब दोनों पॉजिटिव हो सकते हैं, कोई भी बड़ा हो सकता है कोई भी छोटा हो सकता है, या नेगेटिव में हो सकते हैं, दोनों ही नेगेटिव में होंगे, कोई एक नेगेटिव में हुआ तो ये पहली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो पाएगी,
क्योंकि वो फिर माइनस में आ जाएगा आंसर माइनस सिक्स, लेकिन उसने बोला है कि ग्रेटर देन जीरो, तो मेरे को उसको भी सेटिस्फाई करना है। ठीक, तो पहली कंडीशन से ये आ रहा है कि कोई भी किसी की भी वैल्यू हो सकती है, ऐसा नहीं है। सेकंड उसने बोला है, तो पहली कंडीशन से तो मैं इसको प्रूफ ही नहीं कर पा रहा हूं यार, क्या पता थ्री हो सकता है, क्यू हो सकता है, टू पी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी वैल्यू, तो मैं पहली कंडीशन से स्टेटमेंट क्वेश्चन को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा हूं। सेकंड देखते हैं, पी स्क्वायर इज ग्रेटर देन क्यू स्क्वायर, कि पी स्क्वायर इज ग्रेटर देन क्यू स्क्वायर। मान लीजिए कि मैंने थ्री का स्क्वायर करा और वो ग्रेटर देन है टू के स्क्वायर से, ठीक, तो थ्री का स्क्वायर क्या हो गया, थ्री का स्क्वायर क्या हो गया नाइन, और टू का स्क्वायर क्या हो गया फोर, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको नेगेटिव में भी मान लेता हूं तो तब भी तो ये बड़ा आ रहा है ना, माइनस थ्री का स्क्वायर और माइनस टू का स्क्वायर कर लेता हूं, ठीक। अब ये क्या आ जाएगा नाइन और ये आ जाएगा फोर, तो ये मेरी तब भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, क्यों, क्योंकि पहली वाली कंडीशन से मेरा थ्री बड़ा आ रहा है, लेकिन इसमें जब माइनस थ्री है तो माइनस थ्री क्या है, पी छोटा आ रहा है, तो मैं दोनों स्टेटमेंट को ही यूज करके ये वाली कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा हूं, क्योंकि अगर मैं थ्री स्क्वायर और टू स्क्वायर पॉजिटिव में मान रहा हूं तो थ्री बड़ा है, अगर निगेटिव में मान रहा हूं तो मेरा, आपको पता है ना जो बड़ा नंबर होता है उसके आगे निगेटिव का साइन होता है तो वो छोटा होता है, कभी आप बोलोगे ये थ्री बड़ा होगा, नहीं, नेगेटिव का साइन है। तो यहां पर क्या आ रहा है मेरा, यहां तो मेरा पी बड़ा आ गया लेकिन यहां पे मेरा पी छोटा आ रहा है, तो मेरी कंडीशन ये सेटिस्फाई नहीं हो रही है। दैट्स व्हाई ऑप्शन डी इसका आंसर है, कि आप दोनों स्टेटमेंट को यूज करके इसको सेटिस्फाई नहीं कर सकते, ठीक। चलिए ठीक है, नेक्स्ट उसने कंसीडर करा है कि आप कंसीडर करिए थ्री डिजिट नंबर और आपको वो नंबर बताना है इन दोनों स्टेटमेंट को यूज करके। पहला स्टेटमेंट उसने बोला है कि वो नंबर है जिसका अगर आप डिजिट का सम करेंगे तो वो उसके प्रोडक्ट के इक्वल आएगा, मतलब अगर आप जस्ट लाइक जैसे आपने 1 2 3 लिखा, अगर आप 1 2 3 का सम करेंगे 3 2 5 और 1 6 आ गया, ठीक, सम करा तो 6 आया, प्रोडक्ट करेंगे तो 3 2 6 और 1 6, तो इस तरीके से आपको नंबर बताना है, ठीक। तो अब मैं देख रहा हूं कि इस तरीके से तो तमाम वैल्यू पॉसिबल है, ठीक, 1 2 3 भी हो सकता है, 3 2 1 भी हो सकता है, तो मैं पहले पॉसिबल वैल्यूज लिख लेता हूं इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई करते हुए कि उनका सम 6 मतलब सम और प्रोडक्ट दोनों का बराबर होना चाहिए। तो 1 2 3 हो गया एक तो वैल्यू, 1 2 3 हो गया, 2 1 3 हो गया, ठीक, 2 1 3 हो गया, 1 3 2 हो गया, 1 3 2 हो गया, और 3 1 2 हो गया, 3 2 1 हो गया, ठीक। और क्या हो सकते हैं, 2 2 4 1 5 और कौन सी वैल्यू हो सकती है, 1 3 2 हो गया, 2 1 3 हो गया, 2 3 1 हो गया, 2 3 1 हो गया। अब ये इतनी सारी वैल्यू, मुझे क्या पता इनमें से कौन सा नंबर वो पूछना चाह रहा है। अब सेकंड कंडीशन भी मेरे को सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। अब ये तो तमाम, क्योंकि हर एक नंबर सेटिस्फाई कर रहा है इस कंडीशन को, इनका अगर आप सम करेंगे तो 6 आएगा, प्रोडक्ट करेंगे तो 6 आ रहा है, सम कर रहे हैं तो 6 आ रहा है, प्रोडक्ट कर रहे हैं तो 6 आ रहा है, हर एक में कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। अब मेरे को तो पता ही नहीं चल रहा है कि वो नंबर है कौन सा। अब सेकंड कंडीशन देख लेता हूं, सेकंड कंडीशन उसने बोली है कि नंबर वो डिविजिबल है सम ऑफ द डिजिट ऑफ द नंबर, यानी कि वो नंबर डिजिट के सम से डिविजिबल है। मान लीजिए कि मैंने ये क्या करा है, जस्ट लाइक जैसे मैंने मान लिया कि 312 है, 312 है, 312 मान लेता हूं मैं, 312 डिजिट के सम से डिविजिबल है, डिजिट का सम क्या है 6 है, 6 5 30 और 6 2 12 तो 52 ये कट रहा है। और अब अगर मैं 132 मान लेता हूं, 132 ये डिवाइड करूं मैं इसके डिजिट के सम से, यानी कि 6 आ रहा है, तो 6 2 12 ये भी डिविजिबल हो रहा है। अब मैं फिर कंफ्यूज हो गया यार, यहां पे दो नंबर आ रहे हैं, यहां दो नंबर आ रहे हैं, फर्स्ट स्टेटमेंट से 6 नंबर निकल के आ रहे हैं, सेकंड स्टेटमेंट से मेरे पास दो नंबर आ रहे हैं, या तो 312 हो सकता है या 132 हो सकता है। अब मैं इनमें दोनों में से कोई भी चीज कॉमन ही नहीं लेके आ पा रहा हूं, तो यानी कि इन दोनों स्टेटमेंट का यूज करके आप नंबर ही नहीं बता सकते, तो दैट्स व्हाई इसका आंसर क्या होगा, डी। क्यों, क्योंकि उससे 6 नंबर आ रहे हैं स्टेटमेंट 1 से, स्टेटमेंट 2 से 2 नंबर आ रहे हैं, अब कौन सा नंबर है कौन सा नहीं है वो तो हमको भी नहीं पता है, ठीक, दैट्स व्हाई इसका आंसर डी होगा। तो इसी तरीके के कंसेप्ट को सीखने के लिए मेरे साथ आप जुड़ सकते हैं मेरे क्रैश कोर्स में भी, इन कंसेप्ट को डिटेल्ड में जानने के लिए। बाकी हम कंसेप्ट तो समझ रहे हैं पीवाईक्यू के थ्रू, और आप सीसेट 2024 को इजिली क्रैक कर पाएंगे, और अगर आपको कोर्स ज्वाइन करते हैं तो आपको उसमें डिटेल्ड एनालिसिस मिलेगा पीवाईक्यूज और प्लस अलग से कंसेप्ट्स का जो भी आ सकते हैं, ठीक। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।